वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियोज़। आज मैं लेके आया हूँ बिरयानी की रेसिपी। पहले मैं गरम करूँगी पानी, इसके बाद मैं यहाँ डाल रही हूँ जीरा, गोलमरिच, इलायची, दालचीनी एक साथ डाल रही हूँ। जैसे ही पानी गरम होगा हम यहाँ डाल देंगे चावल। नमक भी डाल दिया है मैंने। यहाँ मैं डाल रही हूँ बासमती राइस। राइस को ओवर कुक नहीं करना है, नहीं तो खाने में टेस्टी नहीं रहेगा। इस तरह से पानी को निचोड़ के एक थाली में रख देना है। इसी तरह से इसके बाद मैं पैन को गरम कर रही हूँ एक को फ्राई करने के लिए। अभी मैं डाल रही हूँ नमक, रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर। इसे थोड़ा सा मिक्स करके अंडे को फ्राई करूँगी। एक एक करके डाल रही हूँ अंडे को। और थोड़ी देर के बाद इसे पलट देना है इस तरह से। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया कलर आया है। हमने रेड चिली और हल्दी पाउडर डाला है, इसकी वजह से बहुत ही कलरफुल हुआ है। तो हमारा अंडा जो है फ्राई हो चुका है। अभी बर्तन में ऑयल डाल रही हूँ। जैसे ही गर्म होगा यहाँ फिर से मैं दालचीनी, इलायच, गोलमरिच डाल रही हूँ। और अभी मैं ऐड करूँगी प्याज। प्याज को अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छे से मिलाने के बाद ढक्कन देके इसे पकने देना है। प्याज जो है हल्का ब्राउन कलर आ गया है। थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए हम प्याज को रखेंगे। तो इसके बाद हम यहाँ ऐड करेंगे टमाटर। यहाँ टमाटर की प्यूरी भी ऐड कर सकती हो। टमाटर को भी अच्छे से पकने देंगे। तो हमारा टमाटर भी पक चुका है। अभी मैंने यहाँ डाला है गार्लिक। इसके बाद हम यहाँ हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, जीरा, धनिया, बिरयानी मसाला सब एक साथ डाल दूँगी और थोड़ा सा नमक भी। मुझे रेड चिली पाउडर कम लग रहा है, फिर से ऐड किया है। अभी सभी मसालों को मैं एक साथ मिक्स करूँगी। तो देख सकते हो हमारा मसाला भी बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। इसी तरह से हमारा ग्रेवी भी थोड़ा सा रखेंगे, गार्निशिंग के लिए काम आएगा। अभी मैं ऐड कर रही हूँ फ्राई किया हुआ अंडा। ये अंडा छोटा छोटा दिखाई दे रहा है क्योंकि ये देसी अंडा है, इसलिए छोटा छोटा दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं पानी देकर थोड़ा सा मिलाने के बाद ढक्कन देके पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ढक्कन खोलने के बाद देख सकते हो हमारा बिरयानी का मसाला जो है बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। अभी मैं डाल रही हूँ दोय। मसाला के साथ डालना मैं भूल गया था, तो मैं अभी डाल रही हूँ। इसे भी हम अच्छे से पकने देंगे। तो ऊपर थोड़ा सा
धनिया डाल रही हूँ। इस टाइम थोड़ा सा नमक टेस्ट कर सकती हूँ। अभी अंडे को मैं एक बॉयल में रखूँगी, बाद में बीच में रखने के लिए। अभी मैं डाल रही हूँ हमारा राइस। और मैं बीच में डालूंगी हमारा फ्राई किया हुआ अंडा। इस तरह से मैंने सभी अंडे को रख दिया है। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा राइस डाल रही हूँ और ऊपर थोड़ा गार्निश करूँगी हमारा प्याज और ग्रेवी। इसके ऊपर इस तरह से डाल देना है। और हमारा प्याज भी, और ऊपर थोड़ा सा धनिया। और इसे बनाना लीव्स इसके ऊपर डाल दूंगी और ढक्कन देके 5 मिनट के लिए ऐसे रखेंगे। तो देख सकते हो 5 मिनट के बाद फिर लौट आया हूँ। हमारा एक बिरयानी जो है रेडी है, तो अभी मैं सर्व कर रही हूँ फोटो खींचने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। आज के लिए ही तक है।